असलम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मंसूर टेस्टिक। तो आज मैं फ्रांस के बहुत ही प्यारे शहर कोलमर में मौजूद हूं। तो मैं आपको आज कोलमर का टूर करवाऊंगा। और कोलमर की खास बात जो सी ये है कि मलेशिया में भी इसी नाम का एक विलेज बनाया हुआ है, जो कि महातीर मोहम्मद ने बनाया था। वहां पे भी ये कोलमर मौजूद है, तो उसका भी मैं आपको टूर करवाऊंगा जब मैं मलेशिया में हूँगा। लेकिन आज हम कोलमर फ्रांस को देखेंगे, और इसको लिटिल विनिस भी कहा जाता है। चलें स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। कोलमर जोन्स है वो फ्रांस के सूबा अल्सेस में मौजूद है, और ये सूबा जोन्स है जर्मनी के बिल्कुल पास लगता है, और इस पे जर्मनी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। आपको इनके रेस्टोरेंट में, इनके बिल्डिंग्स में और इनके लोगों में जर्मन टच बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो अभी देखें कितनी प्यारी इसकी ओल्ड टाउन है, कितना प्यारा इसका ये ओल्ड टाउन और बाजार है। तो हम इधर चलते हैं, इधर वॉक करते हैं और आप लोगों को ये ओल्ड टाउन दिखाते हैं। जो डिज़ाइन है वो ताश के पत्तों की तरह के बने हुए हैं, स्पैरो, चिड़िया और ईंट बनी हुई है। लेकिन हमें पान और हुक्म नहीं मिल रहा यहाँ पे, लगता है वो बनाना भूल गए हैं। गाइस, आप लोगों को कोलमर में बहुत से चर्च मिलेंगे। तो ये हमारे सामने बहुत बड़ा और बहुत प्यारा चर्च है। ये इसकी दूसरी साइड में कंस्ट्रक्शन चल रही है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से ड्रोन शॉट्स उड़ाएं और आप लोगों को वो ड्रोन शॉट्स दिखाएं, इस चर्च के भी और कोलमर ओल्ड टाउन के भी। कोलमर में एक ऐसी जगह है जिसको लिटिल वेनिस भी कहा जाता है, और वो ये वाली जगह है, ये चौक है, ये बहुत फेमस इसका चौक है। आप देख सकते हैं इसका जो सारा एरिया है वो बिल्कुल वेनिस की तरह लग रहा है। ब्रिजेस बने हुए हैं और बहुत प्यारे घर जो इनकी ओल्ड टाउन में हैं वो इधर भी हैं। और जो यूरोपियन कल्चर है आप देख सकते हैं यहाँ पे तालू वाला ब्रिज, जो कि मैं बहुत ही व्लॉग्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने, इधर भी वो ताले वाले ब्रिज बने हुए हैं। और इसकी दूसरी साइड में कश्तियाँ खड़ी हुई हैं, यहाँ पे आप कश्तियों से इस नहर में सफर भी कर सकते हैं और इसका खूबसूरत व्यू ले सकते हैं। इधर लाजमी आइएगा अगर आप कोलमर में आए। Thank you.
गाइस मुझे तो कॉलमर में आके बहुत मज़ा आया। अगर आप लोग फ्रांस में आएँ तो इस सिटी को लाजमी विज़िट कीजिएगा, ये जर्मनी से बिल्कुल दूर नहीं है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं मलेशिया के कॉलमर को भी एक्सप्लोर करूँ और आप लोगों को दिखाऊँ उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।